हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ज्योग्राफी में मैंने कहा था दो सेक्शन हैं, 15 क्वेश्चन उसमें हो गए थे। 16वें क्वेश्चन से इसको शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन इस वाले पार्ट में हैं वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली उस पार्ट से थोड़ा सा टफर हैं एज पर एज इंजीनियरिंग माइंड सेट इज कंसर्न। ज्योग्राफी और इकोनॉमी सेक्शन मेरे हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से तैयार करनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपके सामने दिए हैं, एग्जाम्पल आप प्लांट दिया है। जो हिमालयन कोनीफरस प्लांट है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो पाइन है, देवदार है, फीर है, स्प्रूस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। जो ड्राई डिसीडियस टाइप के फॉरेस्ट हैं ये नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न रीजन ऑफ डेक्कन प्लेटो में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं टीक, नीम, पीपल, साल, खैर, एन, टर्मिनिलिया। तो डिसीडियस वाला सी से हो जाएगा, तो जाहिर सी बात थर्ड वाला बी से हो जाएगा, जो कि मैंग्रोव डेल्टा फॉरेस्ट से रिलेट करता है। मैंग्रोव प्लांट्स हेलोफाइट्स होते हैं, इसमें मोर देन 100 ट्रीज ग्रो कर सकते हैं मैंग्रोव इकोसिस्टम में। इसके जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टाइप्स हैं, प्लांट के नेम्स हैं, वो एविशेनिया के अलावा गैरन, वाइन, गैनविया और सुंदरी हैं। गैरन, वाइन, गैनविया वाला क्वेश्चन कई बार आया है कि किस टाइप के फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं, मैंग्रोव या मैंग्रोव डेल्टा फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं। वेस्टर्न घाट्स जो चौथा था, वेस्टर्न घाट्स उसमें आपका जामुन और फिकस ऑप्शन में था। फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेस्टर्न घाट भी दिया था चौथा, एवरग्रीन एनी और वेस्टर्न घाट्स। तो ये जामुन और फिकस डायरेक्टली मैच कर जाएगा, तो 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी और 4 का डी हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। अब देखिए यार, अगर पहले से बिल्कुल नहीं आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो थोड़ा थोड़ा अननोननेस से नोननेस में जाएंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, रुकना नहीं है। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स। मोस्ट रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर रीजन ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट करती हैं और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाके। और मेनली कौन कौन है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। जब आप इसमें से पाएंगे तो ए ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा। करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लेटर सिंबल रिप्रेजेंट्स द सेमी एरिड स्टीपी क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू कोपेंस स्कीम। कोपेंस स्कीम के हिसाब से सेमी एरिड स्टीपी क्लाइमेट कौन सिंबल रिप्रेजेंट करता है? अगर आप कोपेंस स्कीम को सही से पढ़ेंगे तो इन्होंने जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया है उसमें अल्फ़ाबेट के ए बी सी डी ई को मेनली, सबसे पहले मेन आपको अल्फ़ाबेटिकली यही लेटर्स मिलेंगे। चारों ऑप्शन में देखिए तो ए बी सी डी ही है। ये क्लाइमेट को इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है कि इसमें कौन सा कोल्ड क्लाइमेट है, कौन सा ड्राई क्लाइमेट है, कौन सा आपका लेस ड्राई है, हॉट एयर है। इस तरीके से ये पांच क्लासिफिकेशन है। आगे एक क्वेश्चन में हमने इसको भी मेंशन किया हुआ है। तो इसमें जो एसएससी जेई में जब भी कोपेंस स्कीम से क्वेश्चन आएगा तो आप इन्हीं पांच क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। ध्यान से देखो, चारों ऑप्शन में कहीं पे भी कोई आगे वाला अल्फ़ाबेट रिपीट कर रहा है। ए, दो ऑप्शन में ए नहीं है, दो ऑप्शन में बी नहीं है, दो ऑप्शन में सी नहीं है। यानी केवल हमको ये पता चल जाए कि सेमी एरिड स्टीपी क्लाइमेट किस टाइप के क्लाइमेट का डिवीजन है, सब डिवीजन है। तो ये एक्चुअली में ड्राई का सब डिवीजन है, और ड्राई जो है वो बी से रिप्रेजेंट होता है, कोल्ड जो है वो ई से रिप्रेजेंट होता है। आगे ए और सी और डी को भी बता देंगे। फिलहाल कोल्ड क्लाइमेट, सिर्फ सिंपली कोल्ड क्लाइमेट, सिर्फ सिंपली ड्राई क्लाइमेट की अगर बात करें तो बी और ई है। यहाँ पे जो ड्राई क्लाइमेट है उसका ये टाइप है। तो सेमी एंड स्टीपी क्लाइमेट किसको? बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी एस एच डब्ल्यू। अब यस क्या रिप्रेजेंट करेगा, एच क्या रिप्रेजेंट करेगा, डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये अलग अलग रीजन है। उसके आगे क्या सब डिवीजन है वो सेमी एरिड स्टीपी। ऐसे सी डब्ल्यू जी मानसून टाइप विद ड्राई विंटर्स, कोल्ड ह्यूमिड विंटर्स टाइप विद सॉल्टर समर, ए एस मानसून टाइप विद सॉल्ट ड्राई विंटर सीजन। इतना डिटेल में अगर जाएंगे तो टोटल आपके लगभग 24 हैं, 9 सब डिवीजन, फिर उसके आगे 9 के 24 या 26 के आसपास हैं। आपको केवल पांच याद रखने, ए बी सी डी ई। बी ई अभी याद हो गए, कोल्ड क्लाइमेट ई है और बी आपका ड्राई है। आगे ये तीनों को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे, क्योंकि हमारे लिए भी कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो पूर्व में हमारे द्वारा भी किसी भी एंगल से नहीं गई हैं, लेकिन पहली बार में भी आपको उतने ही बेहतर तरीके से चीज़ों को देखना है। अगला क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज
वाइड वेराइटी ऑफ क्लाइमेट्स, वाइड वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपल डेफिनेशन है वाइड वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे आ जाते हैं जीव जंतु पेड़ पौधे, तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पूछी गई थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैव द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी क्लाइमेटिक रीजन, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी रखते हैं ऑफ एनी क्लाइमेटिक रीजन ऑन अवर प्लैनेट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है जिसमें कॉलम आपको मैच करने हैं, इधर साइक्लोन के नाम दिए हैं, इधर वाटर बॉडी दिया है, किस वाटर बॉडी में कौन सा साइक्लोन आता है। तो साइक्लोन तौकाते जो है वो अरबियन सी से रिलेट करता है, साइक्लोन एयास जो है वो बे ऑफ बंगाल से रिलेट करता है, हरिकेन कैटरीना अटलांटिक ओशियन से है, जबकि हरिकेन इनग्रिड और मैनुअल जनरली ये दोनों एक साथ अगर किए हैं, ये सब अलग अलग ईयर्स के हैं, तौकाते अलग ईयर में है, यास अलग 2011, 5, 3, 13, 16 ये सारे ईयर हैं, ये अभी रिसेंटली के नहीं हैं, सब पुराने भी हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन स्टैटिक फॉर्मेट में आया है, इनग्रिड और मैनुअल ये दोनों गल्फ ऑफ मैक्सिको से हैं। तो पहले का आपका हो जाएगा सी, दूसरे का आपका हो जाएगा डी, तीसरे का आपका हो जाएगा ए, नहीं दूसरे का ए होगा, दूसरे का ए, पहले का सी, पहले का सी और दूसरे का ए, एक ही ऑप्शन है बी पार्ट। थ्री का डी, कैटरीना आपका अटलांटिक ओशियन से है और इनग्रिड आप और मैनुअल आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको से है। तौकाते आपका अरबियन सी से है, यास आपका बे ऑफ बंगाल से है, कैटरीना आपका अटलांटिक ओशियन से है, इनग्रिड और मैनुअल आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट आर करेक्ट, चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, चार स्टेटमेंट दिए जिनसे ऑप्शन मिलाना है। अगर इस क्वेश्चन को गंभीरता से लेंगे, ये प्रश्न इतना इतने फंडामेंटली, एक छोटा सा क्वेश्चन एक तरफ आ रहा है बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड, एक प्रश्न यहाँ पे ऐसा आ रहा है जिसमें चार बहुत गंभीर बातें हैं कि जो रिवर्स है सुबर्णरेखा और खरकाई ये वाटर देते हैं प्लांट को, आयरन ओर फ्रॉम प्लांट कम्स फ्रॉम नौमंदी और बादाम पहाड़ से आते हैं, कोकिंग कोल फॉर द प्लांट कम्स फ्रॉम जारिया एंड बेस्ट बोकारो कोल फील्ड्स, इतनी बातें, टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट, ये कहाँ का क्वेश्चन है, कैसे इसको दे दे रहे हैं, कैसे अगर हम तैयारी करें तो इसको पकड़ें। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर जियोग्राफी के वहाँ 7 से 8 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की 11, 12 को पलट डालिए, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव मत लगाइए उसकी, 11, 12 की एनसीईआरटी न्यू वाली पलट डालिए आप, क्योंकि ये जो हिस्सा है क्वेश्चन का, अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो इंडस्ट्री चैप्टर में आप पाएंगे टिस्को करके, टाटा स्टील प्लांट से रिलेटेड है, यही पूरी की पूरा क्वेश्चन लिखा रखा है एक पैराग्राफ में, और जो चारों स्टेटमेंट दिए हैं चारों करेक्ट हैं, वही बात, वाटर सप्लाई कहाँ से, आयरन ओर क्या है, कोल कहाँ से आएगा, कुकिंग कहाँ से होगी, पूरी चारों बात वही लिखी हुई है। तो ये चीज़ जब हमने रिवर्स रिसर्च की तो उससे ये चीज़ निकली है, तो मैं ये मानता हूँ, और एक जगह नहीं निकली है, इस वाले पिछले वाले सेक्शन में सब कुछ एनसीईआरटी 11 से था, इस वाले पूरे सेक्शन में सब कुछ एनसीईआरटी 12 से है, तो ओवरऑल मैंने ये कह दिया कि 11 12 की एनसीईआरटी ठीक ठाक है, तो ये चारों सही है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें आप जान लीजिए। जैसे पहला स्टेटमेंट है कि ये ओरिजिनेट होती हैं कैस्पियन या मेडिटेरियन सी में, बिल्कुल सही है, ब्रिंग नॉन मानसूनल रेनफॉल टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मानसून के बिना भी रेनफॉल हो जाता है, इसमें यूज किसका यूज होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज का, एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट टू है डिस्टर्बेंस ट्रेवल फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्टर्न, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये नहीं भी लिखा होगा तो इसकी जगह लिखा होगा ईस्ट वार्ड, ईस्ट वार्ड का मतलब ईस्ट की तरफ आना, और जब तरफ आना तो आप हॉरिजॉन्टली सोचेंगे तो उसका दूसरा मतलब है वेस्टर्न टू ईस्टर्न, तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखना। और तीसरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट ड्यू टू हाई प्रेशर एरियाज, ये हाई प्रेशर एरियाज की वजह से ओरिजिनेट होते हैं, नहीं लो प्रेशर एरियाज की वजह से, लो प्रेशर एरिया होते हैं, तो ये वाला गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें और हैं जिसमें अगर वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज से रिलेट करके अगली बार क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बन सकता है, तो दो बात याद रखना है। एक पहला कि ये क्लाउडी स्काई, हायर नाइट टेम्परेचर्स एंड अनयूजुअल रेन, उसका वही मतलब है नॉन मानसूनल रेन या अनयूजुअल रेन, जनरली नहीं होनी है तब हो जाएगी। और दूसरा है कि ये क्रॉप डैमेज, लैंडस्लाइड, फ्लड्स और एवलांचेज को अकर करा सकते हैं, कौन, वेस्टर्न डिफरेंसेज और लो प्रेशर एरियाज होते, ये बात मैंने बता दी, मतलब स्टेटमेंट में ये दो वाक भी शामिल हो सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द प्लेसेज वेयर द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्डवर्क बिलो द वाटर टेबल। तो ये जो है बिलो द वाटर टेबल ग्राउंड वाटर स्टोर हो सकता है, इसको बोलते हैं एक्वीफर। सिविल इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में बड़ी आसानी से एक्वीफर की डिफिनीशन यहाँ पा सकते हैं। जो लोग सिविल वाले होंगे तो समझ ही रहे होंगे कि एक्वीफर क्या है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं जाते हैं। इसके बाद मैच द कॉलम है जिसमें एनिमल्स और फॉरेस्ट, तो मॉन्टेज फॉरेस्ट, ये गलत टाइपिंग हो गई है, माउंटेन फॉरेस्ट होता है। इसमें आपके याक है, कश्मीरी स्टैग है, स्नो लियोपार्ड है और रेयर रेड पांडा है। तो याक यहाँ पे दिया है ऑप्शन में, तो पहले का बी हो जाएगा। फिर आपके सामने जो है वो थॉर्न फॉरेस्ट है एंड स्क्रब्स है। थॉर्न फॉरेस्ट में रैट, माइस, चूहा, खरगोश ये सब आते हैं और इसी में आपका कैमल भी आता है, तो ये कैमल हो जाएगा। और मैंग्रोव फॉरेस्ट में आपका क्रोकोडाइल आता है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जनरली होते हैं, क्रोकोडाइल में भी कई टाइप होते हैं, तो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल मैंग्रोव फॉरेस्ट में होते हैं। ठीक है, स्पेशली जो आपके पाए गए हैं स्पॉटेड, वो उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा भी रिसेंटली पाए गए हैं, तो ये करंट अफेयर्स भी बन सकती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन लग जाता है, उसी हिसाब से एबीसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द वेदर इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर मंथ्स इज इम्पैक्टेड बाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस प्रेशर प्रॉम। जो भारत में मौसम है वो सर्दियों के मौसम में किससे इम्पैक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस प्रेशर फॉर्म, किस वाले सेक्शन से। तो ड्यूरिंग द विंटर ए हाई प्रेशर सेंटर फॉर्म्स इन द एरिया टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। दीज कॉन्टिनेंटल विंड मीट्स ट्रेड विंड्स अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया, जिसको अगर हम एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम कह सकते हैं सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। कुछ लोग इसको CWA से याद रखते हैं, सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। देखिए वैसे देखा जाए तो एक एक क्वेश्चन अगर सही से बिल्कुल जीरो लेवल की नॉलेज से, तो एक एक क्वेश्चन 20-20 मिनट ले जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं आता, कुछ भी ज्योग्राफी में नहीं आता, वो बहुत टिपिकल हो जाएगा। मुझे लगता है ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन एक वीडियो में अगर हो जाते हैं तो हम नोननेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और फिर इसी में और रिग्रस तरीके से चीज़ें होंगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ओशियानिक वाटर कंपेयर टू लैंड। जो लैंड की तुलना में जो हीटिंग और कूलिंग होती है ओशियानिक वाटर की, वो कितनी होती है, स्लोवर होती है, वो स्लोवर होती है, धीमी होती है, कम होती है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 बार SSC के अंदर, CHSL, CGL इन सब में बहुत बार पूछा गया, और यही पूछा गया है, एज इट इज पूछा गया है। इसके बाद है, पेरिनियल स्नो इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट ग्रुप विच इज डिनोटेड एज लेटर कोड अकॉर्डिंग टू कोप्पेन क्लासिफिकेशन। दो क्वेश्चन कोप्पेन क्लासिफिकेशन से आए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। अब उसी कोप्पेन क्लासिफिकेशन में फिर मैं कह दे रहा हूँ, आगे आप देखिए, AA ऑप्शन में नहीं होगा, BB ऑप्शन में नहीं होगा, CC नहीं होगा, DD नहीं होगा, EE नहीं होगा, AEBC आगे वाला लेटर देखिए। यानी कि अगर शुरुआती हमको चीज़ें पता हैं, A का मतलब है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट याद रखना है। B का मतलब है ड्राई, बता चुके हैं। E का मतलब है कोल्ड, CD वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट, और D का मतलब है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे उसने क्वेश्चन कहा है, वहाँ पे ध्यान से देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट, ना तो यहाँ ट्रॉपिकल ह्यूमिड लिखा है, ना यहाँ ड्राई लिखा है, ना वार्म टेम्परेचर लिखा है, ना कोल्ड स्नो लिखा है। इसलिए इस वाले क्वेश्चंस को आप एकदम बिल्कुल आइसक्रीम वाला क्वेश्चन समझिए, इसमें दिमाग कम खर्च करके आंसर सही क्लिक करना है। बहुत डिटेल में जाकर आप कन्फ्यूजन में और गलतियों में ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। इसलिए सीधे कोल्ड क्लाइमेट देखा, कोल्ड किससे रिलेट है, ई से, ई वाला ऑप्शन EF खत्म हो गया। बाकी अगर समझना चाहें कि EF पेरेनियल स्नो है, ET टुंड्रा से रिलेट करके है, CFB मैरीन वेस्ट कोस्ट है। अभी वही मैं कह रहा हूँ, 27 के आसपास, 26 के आसपास टोटल क्लासिफिकेशन है। बेसिक चीज़ें 5 आपको अगर पता हैं, A फॉर ट्रॉपिकल, B फॉर ड्राई, C फॉर वार्म टेम्परेचर, D फॉर कोल्ड स्नो एंड E फॉर कोल्ड क्लाइमेट, एंड वी हैव जस्ट जस्ट कोल्ड क्लाइमेट, सो द आंसर इज करेक्ट ए पार्ट। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एयर ड्रेनेज डू इन कोल्ड क्लाइमेट। एयर ड्रेनेज कोल्ड क्लाइमेट में क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट डैमेजेज, फ्रॉस्ट डैमेज से प्लांट्स को बचाती है। कोल्ड एयर बीइंग हैवियर एंड मोर डेंस देन वार्म एयर फ्लोज टू लोअर ग्राउंड डिस्प्लेसिंग वार्मर एयर। तो ये फंक्शन होता है एयर का, जो कोल्ड एयर होती है उसका क्या फंक्शन होता है। कोल्ड क्लाइमेट में एयर ड्रेनेज का मतलब कोल्ड एयर का फंक्शन होगा, और कोल्ड एयर फंक्शन कैसे करेगी, चूंकि ये वार्म एयर से डेंस ज़्यादा होती है, हैवी ज़्यादा होती है, तो ये ग्राउंड नीचे की तरफ
बहती है, वार्मर एयर को डिस्प्लेस करती चली जाती है, उसी के बेसिस पे ये प्लांट्स को फ्रॉस्ट डैमेज से बचाती है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन थे, टोटल 28 क्वेश्चन इसमें आए हैं, जबकि शायद पॉलिटी के 22 ही क्वेश्चन थे, 28 क्वेश्चन आए हैं। पिछले वाले में हमने 15 किए, यानी कि इसमें हमने 13 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो ये जियोग्राफी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सेंसस के क्वेश्चन को एक जगह कंबाइन करें, ऑल दो सेंसस में भी द पार्ट ऑफ द जियोग्राफी, बट हम सेंसस को बिल्कुल अलग रखेंगे, आर्ट एंड कल्चर को अलग रखेंगे, करंट अफेयर्स के हिस्से को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, तो नई करंट अफेयर्स आपके साथ लाएंगे, सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।